हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, क्लास 8 साइंस, चैप्टर 3, लेक्चर नंबर 2. पोस्टिंग डेट इज 17 जून. लास्ट टाइम हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था. आज हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट टाइप हमारा है रेयॉन, सेकेंड है नाइलॉन. यू हैव रीड इन क्लास 7th that silk fiber obtained from silk worm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. 7th class में हमने silk fiber के बारे में पढ़ा है. और जो silk fiber जो है silk worm से मिलता है हमें, was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. जो silk fiber है हमें silk worm से मिलता है. और जो वो सिल्क वर्म कहाँ से डिस्कवर हुआ था, चाइना में डिस्कवर हुआ था. और एक काफ़ी टाइम तक सीक्रेट रखा गया था कि सिल्क वर्म डिस्कवर हुआ है सिल्क फाइबर से. फैब्रिक ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली. करें जो सिल्क फाइबर होता है वो बहुत कॉस्टली होता है. जैसे हमने देखा सिल्क के जो क्लोथ होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्स्चर फैसिनेटेड एवरीबडी. लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल टेक्स्चर होता है वो सबको जो है अच्छा लगता है. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century. साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. कह रहे 19th century के एंड तक साइंटिस्ट ने एक फाइबर डिस्कवर कर लिया जिससे सिल्क के जैसा था. सच ऐसा जो फाइबर है वो किससे मिलता है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प के जो है ट्रीटमेंट से मिलता है. जो हम जो वुड पल्प होती है, जो वुड का जो अंदर सेल्यूलोज वाला पार्ट होता है उसके ऊपर हम केमिकली ट्रीट करते हैं तो रेयॉन मिलता है. और बिल्कुल वो सिल्क जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क. और किससे मिलता है ये, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट से मिलता है हमें ये. ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर. इट इज़ चीपर देन सिल्क. रेयॉन जो है हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, क्योंकि नेचुरल सोर्स कौन सा है, जो वुड पल्प है, वुड पल्प से मिलता है. येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, इसलिए उसको हम मैन मेड फाइबर बोलते हैं. क्योंकि वुड पल्प से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिल रहा है. जो वुड का जो अंदर वाला जो सेल्यूलोज वाला पार्ट है उससे हमें जो ये मिल रहा है फाइबर, इसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वुड वराइटी ऑफ कलर्स. रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट. कह रहे कि इट कैन ऑल्सो बी ड्राइड इन अ वाइड वराइटी ऑफ कलर्स. इसको हम जो है बहुत सारे कलर्स में डाई भी कर सकते हैं. रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन. रेयॉन को किसके साथ मिक्स करते हैं, कॉटन के साथ मिक्स करके हम बेडशीट्स बनाते हैं. एंड मिक्स विद वूल, और अगर उसको वूल के साथ मिक्स करते हैं रेयॉन को तो कारपेट बनता है. तो हमने आज कौन सा सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, रेयॉन पढ़ा. रेयॉन में सबसे पहले हमें देखा कि जो सिल्क वो फाइबर है, सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म जो से मिलता है. और वो कहाँ डिस्कवर किया गया था, चाइना में डिस्कवर किया गया था. और काफ़ी टाइम तक उसको सीक्रेट रखा गया था. जो फैब्रिक जो सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क फाइबर जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है. बट एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो इसका ब्यूटीफुल जो स्ट्रक्चर है, जिसका ब्यूटीफुल जो स्ट्रक्चर है वो जो हर किसी को फैसिनेट करता है. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक आर्टिफिशियली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century. 19th century के एंड में साइंटिस्ट ने जो है एक और फाइबर जो है ऑब्टेन किया जो सिल्क के जैसा था. वो ऐसा जो फाइबर है किससे मिलता है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प के जो है उसे केमिकल ट्रीटमेंट से मिलता है. द फाइबर वॉज कोल्ड रेयॉन. जो फाइबर जो है उसको क्या बोलते हैं, रेयॉन बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं. ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स. रेयॉन जो है नेचुरल सोर्स से मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर बोलते हैं. इसको अलग अलग फॉर्म में डाई किया जाता है, अलग कलर्स में डाई किया जाता है. रेयॉन को अगर कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट बनती है. अगर रेयॉन को अगर हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट बनता है. अब नेक्स्ट फाइबर हम स्टडी करेंगे नायलॉन. Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. Nylon जो है एक man-made fiber है. In 1931 में it was made without using natural raw material. It was prepared from wool,
कोल वाटर एंड एयर इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन जो है दूसरा मैनमेड फाइबर है. 1931 में इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. और ये किससे मिलता है? कोल वाटर एंड एयर से मिलता है. इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है. नायलॉन जो हमारा क्यों कौन सा फाइबर है? मैनमेड फाइबर है. 1931 में इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन जो मैनमेड फाइबर है. इन 1931 में इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. क्या नेचुरल कोई भी मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया था. कोई जो नेचुरल जो हमारा जो सोर्स है प्लांट और एनिमल का, कोई भी हमारा नेचुरल मटेरियल यूज़ नहीं किया था नायलॉन बनाने के लिए. इसको हम कोयल से, वाटर और एयर से बनाते हैं और ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है. नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट फाइबर होता है. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. इसको बहुत ईजिली वॉश करते हैं. सो इट बिकम पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ. तो इसलिए जो है ये क्लोथ बनाने के काम आता है. वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, करंट, टेंट्स, टूथब्रश, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस. कह कि हमने बहुत सारे आर्टिकल्स बनाया जैसे सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस. नायलॉन इज ये जो नायलॉन है इससे हमें बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. सॉक्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, टेंट्स, टूथब्रश, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस. नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रॉकिंग रॉक क्लाइंबिंग. अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर. कि ये पैराशूट बनाने के काम आता है और रॉक क्लाइंबिंग काम आता है. और नायलॉन थ्रेड जो है बहुत स्ट्रोंगर होता है एज कम्पेयर टू अ स्टील वायर. एक्टिविटी 3.1. टेक एन आयरन स्टैंड विद द क्लैम्प. टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ. टाई इट द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट शोन एज शोन इन फिगर. कर एक आयरन का एक स्टैंड लो क्लैम्प के साथ. और टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर जो लेंथ का एक कॉटन थ्रेड लो. टाई इट द क्लैम्प एट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम एज शोन इन फिगर. उसको हमने इसे टांग देना एट द फ्री एंड सस्पेंड. जैसे एक आयरन का स्टैंड लिया, उसको हमने धागे से बांध दिया क्लैंप से, जिसको फिगर में दिखाया हुआ है. सो दैट वेट कैन बी प्लेस इन इट. एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक. नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड. द वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फायर. रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क, नायलॉन. टैबलेट द डाटा एज शोन इन फिगर. कह रही है बहुत सारे जो हमारे थ्रेड हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, इसको टोटल वेट रिक्वायर्ड जो है कितना, जैसे वेट डालेंगे तो उसमें ये सारे के सारे थ्रेड जो ब्रेक हो जाएंगे. तो हम इसको देख सकते हैं. वी मे यूज अ हुक और अ नेल on the wall for hanging the fiber and a polythene bag at the other end. In place of weight you may use the marble, pebbles or similar size के जो हम pebbles भी रख सकते हैं इसके लिए. तो आज हमने सबसे पहले किसके बारे में स्टडी किया? हमने रेयन के बारे में, नायलॉन के बारे में हमने स्टडी किया कि हमने कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं रेयन, कैसे बना, कि कौन सा मैनमेड फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, और सिल्क जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. उसके बाद हमने एक्टिविटी पढ़ी, एक्टिविटी 3.1. और इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? पॉलिएस्टर एंड एक्रीलिक. तीसरा जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर एंड एक्रीलिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू.